इन सभी को मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष सीरीज में, इस खास सीरीज में, जहां पर कि हम बाबा साहब के द्वारा किए गए कामों को याद करते हैं, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि बाबा साहब ने सिर्फ एक काम नहीं किया कि हम एक दिन उनको याद कर लें, हर दिन उन्होंने कुछ ना कुछ काम किया है, हर दिन उन्होंने इतिहास रचा है, हर दिन का इतिहास है उनका, लिखित इतिहास है, जिसको कि हमारे समाज के बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। और मेरी ये कोशिश है कि मैं उन लोगों के बीच वेबसाइट के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से, आर्टिकल्स के फॉर्म में, रिटर्न फॉर्म में और वीडियोस के फॉर्म में लेकर आऊँ। मेरी कोशिश है कि आने वाले समय में हम इसको एप्लीकेशन के माध्यम से भी लोगों तक पहुँचाएँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग जल्दी अपनी एप्लीकेशन बनाएँ, तो आप सभी से निवेदन है कि हमारी फाइनेंशियल हेल्प करें, फाइनेंशियल सपोर्ट करें। अगर आप करेंगे तो बहुत जल्दी हम इस काम में सफल हो पाएंगे। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। हम लोग 22 अप्रैल के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि 22 अप्रैल को बाबा साहब ने अपने जीवन में क्या क्या काम किए थे। 22 अप्रैल 1927, 22 अप्रैल 1927 को NH पंड्या, अटर्नी जनरल लॉ और BJ खरे, बॉम्बे लॉ जनरल के संयुक्त संपादकों ने डॉक्टर अम्बेडकर को पत्रिका के संपादकीय बोर्ड का सदस्य बनने के लिए पत्र लिखा, ताकि इसके सुधार के लिए सुझाव लिए जा सकें। 22 अप्रैल 1933, 22 अप्रैल 1933 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उन्हें सम्मान पत्र देने के लिए आयोजित एक सार्वजनिक सभा को संबोधित किया, जिसकी अध्यक्षता रेलवे कुम्हार चौल कुर्ला बॉम्बे में राय बहादुर एस के बोले MLC ने की। बाबा साहब को उस समय 80 रुपये का एक पर्स दिया जाता है। बाबा साहब उस पर्स को लेने के बाद, जिसमें 80 रुपये थे, जवाब देते हैं और ये आश्वासन देते हैं कि धन का उपयोग सामाजिक उद्देश्य के लिए किया जाएगा, ना कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए। हालांकि वह उनसे सवाल करते हैं कि यहाँ इकट्ठे हुए 50,000 लोगों से केवल 80 रुपये ही क्यों इकट्ठे हुए हैं, और आगे वह बताते हैं कि सामाजिक कार्यों के लिए पैसे की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये जो बहुजन साहित्य, ये मेरा कोई पर्सनल काम नहीं है, ये समाज का काम है। हाँ, अगर मैं कोई पर्सनल ब्लॉग बना रहा होता तब मैं आपसे कहता कि आप मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट करो, तो शायद वो गलत होता, लेकिन ये समाज का काम है, मेरा थोड़ी ना काम है यार, पर्सनल काम नहीं है ना मेरा, कम्युनिटी का काम है। और इस काम को मतलब बहुत मेहनत करके करना पड़ता है। किताबें पढ़ो, एक मैं शेयर करूँगा, मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है, अभी रिसेंटली मैंने जॉब की थी, तो उसको मैं इंस्टाग्राम पर शेयर करूँगा। अगर आप पढ़ना चाहें तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, पर्सनल जो मेरी आईडी है रजत मौर्य ऑफिशियल के नाम से, उसको फॉलो कीजिएगा। आज या कल मैं वहाँ पर पोस्ट डालूंगा एक, जिस पर कि अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, 11 अप्रैल को मैंने जॉब ज्वाइन की थी, उसमें क्या रहा और क्या क्या मुझे फेस करना पड़ा। तो इस चीज़ को समझिए कि बिना पैसे के कुछ नहीं होता। इसलिए अगर आप बहुजन साहित्य के सदस्य बनना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। 22 अप्रैल 1946, 22 अप्रैल 1946 हैदराबाद आंध्र प्रदेश में टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि अलग गांवों के लिए अनुसूचित जातियों की मांग किसी भी पार्टी के अधिकारों पर अतिक्रमण नहीं थी। उन्होंने कहा कि देश में खेती योग्य बंजर भूमि में बड़े क्षेत्र बिना काश्तकारी के पड़े हैं, यानी कि बाबा साहब जो शेड्यूल कास्ट है उनके अलग गाँवों की मांग कर रहे थे। क्योंकि आज की डेट में भी आप जाएंगे गांव में तो बहुत सारी ज़मीन ऐसी बंजर पड़ी हुई है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है आज की डेट में भी, लेकिन वो सरकारी ज़मीन है पूरी, अगर उसको चाहें तो आज की डेट में भी गवर्नमेंट चाहे तो दे सकती है, और फिर उसको अलग तरीके से जो कम्युनिटीज़ हैं वो यूज़ इस्तेमाल कर सकती हैं। तो बाबा साहब 1946 में इसकी मांग कर रहे हैं, आज तक पूरी हुई है नहीं हुई आप लोग खुद देख लीजिएगा किस तरीके से जो खेती वाली ज़मीन है उसका वितरण हुआ है, आप सबको पता है, नहीं पता तो कमेंट करके बताइएगा, अलग से वीडियो बना दूंगा। वो कहते हैं कि देश में खेती योग्य बंजर भूमि के बड़े क्षेत्र बिना काश्तकारी पड़े हैं, जिन्हें बंदोबस्त या अनुसूचित जातियों के लिए अलग किया जा सकता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने जो प्रस्ताव दिया था उस पर अमल करने के लिए सरकार एक ट्रस्ट बना सकती थी। वह आगे ये भी कहते हैं कि गांव सामाजिक है और समाज की आर्थिक इकाई नहीं है, इन अलग अलग गांवों के आर्थिक गला घोटने से डरने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अलग गांव की मांग पाकिस्तान पर भी लागू हुई और यह सवाल तब उठेगा जब यह ठोस रूप ले लेगा। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जातियों की स्थिति दक्षिण अफ्रीका के बंटू और अन्य जनजातियों के समान थी। बाबा साहब आगे कहते हैं कि अनुसूचित जातियों की स्थिति दक्षिण अफ्रीका के बंटू
और अन्य जनजातियों के समान थी। और वह आगे कहते हैं कि भविष्य के भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा के लिए उसी तरह प्रावधान क्यों नहीं किया जाना चाहिए जैसा कि बंटू के मामले में दक्षिण अफ्रीकी संविधान में किया गया। अब यहाँ पर ये जो बंटू जो शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये किसी जनजाति का शब्द है, हो सकता है कि मैं इसका गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ तो मुझे ट्रोल मत कीजिएगा। वैसे तो कम ही लोग कमेंट करते हैं लेकिन फिर भी मुझे प्लीज़ वो मत ऐसे ट्रोल मत कीजिएगा कि आप गलत बोल रहे हो, मुझे पता है कि इसका प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है ना। 22 अप्रैल 1946 श्रम सदस्य माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में श्रम विभाग द्वारा पुनर्स्थापना नीति तैयार की गई थी और अगले दिन आयोजित तीसरे अंतर प्रांतीय सम्मेलन में स्वीकृत और सहमति हुई थी। इस नीति ने दामोदर घाटी परियोजना के कमांड क्षेत्र में भूमि के लिए जहां तक संभव हो मुआवजा देने का प्रावधान किया, पर्याप्त आवास और अन्य सुविधाओं के साथ साथ। इसी नीति ने बाद में देश में परियोजना प्रभावित लोगों के लिए पुनरावास नीति का आधार बनाया। इस तरह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने विस्थापित काश्तकारों और गैर खेती करने वाले परिवारों के पुनरावास के लिए पुनरावास नीति सुनिश्चित की, यानी आधुनिक भारत के निर्माण में व्यापक योगदान दिया। इंडिया यानी भारत के स्वतंत्रता प्राप्त करने से बहुत पहले अखिल भारतीय आधार पर आर्थिक विकास की योजना बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। 21 और 22 अप्रैल 1947 21 और 22 अप्रैल 1947 सलाहकार समिति की कार्यवाही में डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि संविधान द्वारा प्रयोग और कानून दोनों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, यह अल्पसंख्यक विशेष रूप से अनुसूचित जाति के दृष्टिकोण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है। वह एक प्रावधान का सुझाव देते हैं, इसके बाद के प्रावधानों के अधीन धर्म जाति नस्ल भाषा या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के खिलाफ कोई भेदभाव नहीं होगा। डॉक्टर अंबेडकर इस बात की वकालत करते हैं कि पंजाब भूमि अलगाव अधिनियम जैसे प्रत्येक कानून जो विशिष्ट समुदाय को संपत्ति रखने से रोकता है मौलिक अधिकारों के एक खंड द्वारा रद्द किया जाना चाहिए। वह आगे एक खंड का सुझाव देते हैं, इसमें निहित कुछ भी सरकारों को अल्पसंख्यकों के लिए सार्वजनिक सेवा में पदों के एक सुनिश्चित अनुपात को निर्धारित करने से नहीं रोकेगा चाहे वे कोई भी हो। उनका सुझाव है अल्पसंख्यकों के बीच भी हम अवसर की समानता चाहते हैं। जब बाबा साहब अल्पसंख्यकों के बारे में इसमें बात कर रहे हैं तो उनका मतलब सिर्फ मुसलमानों से नहीं है या फिर धार्मिक अल्पसंख्यकों से नहीं है, ठीक, ये चीज क्लियर समझ लीजिएगा। डॉक्टर अंबेडकर आदिवासियों की भूमि की सुरक्षा के संबंध में भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 298 का हवाला देते हैं और उस धारा के सार को संविधान में जोड़ने के लिए कहते हैं। उनका सुझाव है कि विभिन्न राज्यों को हथियार रखने के संबंध में अलग अलग कानून बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, इससे पूर्ण अराजकता होगी और संघ की सुरक्षा की जड़ें। उनका कहना है कि एक कानून को कार्यपालिका या विधायिका को कानून की प्रक्रिया के बिना किसी व्यक्ति को गंभीर आपात स्थिति को छोड़कर गिरफ्तार करने में सक्षम बनाने के लिए एक आसान प्रावधान नहीं करना चाहिए। आज की डेट में आप देखिए कि जैसे जिग्नेश मेवानी को उठा लिया गया उनके गृह राज्य से जो कि एक विधायक हैं, तो इस तरह हालांकि ये अभी तब की बात है जब कोई आसान प्रावधान नहीं है, कोई बहुत सिंपल सा कोई प्रोसीजर नहीं है कि आप किसी भी विधायक को ऐसा उठा लाओगे, आसाम की पुलिस ने उन्हें उठाया। लेकिन अगर सोची कि संविधान में आसान प्रावधान होते तो फिर क्या होता आम जनता का, मेरे जैसे लोगों का जो वोकली इतना क्रिटिसाइज करते हैं बहुत सारी चीज़ों को। तो डॉक्टर अम्बेडकर, मैं फिर वही अपनी एक लाइन दोहराऊँ कि डॉक्टर अम्बेडकर को ऐसे ही दूरदर्शी नेता नहीं कहा जाता। विधायिका और कार्यपालिका को लोगों के जीवन और स्वतंत्रता के निपटान के लिए पूर्ण शक्ति में नहीं रखा जाना चाहिए, जो हमारे कार्यपालिका और विधायिका हैं उनको पूरी शक्ति नहीं दी जानी चाहिए। इसीलिए जब आप संविधान को पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ महसूस होगी कि हर चीज़ के लिए चेक्स एंड बैलेंसेस दिए गए हैं, एक किसी एक को सुप्रीम पावर नहीं बना दिया गया है। लेकिन हालांकि आज के दौर में अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री सुप्रीम हो गए हैं, उनके सामने कोई भी संस्था आप उठा के देख लीजिए वो नतमस्तक है। यही एक कारण है कि इतना बहुत सारी चीजें खराब हो गई हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, वह वकालत करते हैं कि मताधिकार एक मौलिक अधिकार होना चाहिए और कहते हैं
मताधिकार संविधान की प्रमुख चीज है। वह वर्तमान सरकार के हाथों से स्वतंत्र चुनाव के लिए व्यस्क मताधिकार एक स्वतंत्र निकाय चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कराने की वकालत करते हैं। चुनाव आयोग की क्या हालत है आप सभी को पता है। वह सार्वजनिक सेवाओं में आरक्षण के खंड से पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं शब्द को हटाने का प्रस्ताव करते हैं, क्योंकि राज्य द्वारा किए गए किसी भी आरक्षण को अदालत में चुनौती दी जा सकती है और वह नहीं चाहते थे कि इस मामले में अदालत में मुकदमा चलाया जाए। अल्पसंख्यक समुदाय के लिए अदालत में मुकदमे का सामना करना बिल्कुल असंभव होगा। वे कहते हैं, एक बार जब विधायिका या संविधान या आपके द्वारा अधिकृत किसी भी अधिकार ने आरक्षण कर दिया है तो उस आरक्षण को अदालत में चुनौती दिए बिना जारी रहना चाहिए। आप ओबीसी रिजर्वेशन, उसके साथ साथ रिजर्वेशन प्रमोशन का क्या हालत है देख लीजिए, डॉक्टर अम्बेडकर क्या कह रहे हैं और आज क्या हो रहा है। उनका कहना है कि वह संविधान में ही कुछ प्रावधान पर जोर देने जा रहे हैं कि यह आरक्षण कोई मामला नहीं होगा जो विधायिका या कार्यपालिका की मीठी इच्छा पर छोड़ दिया जाए। वह राज्य की राय में शब्दों को स्वीकार नहीं करते हैं। यहाँ कुछ भी शामिल नहीं है जो राज्य को राज्य द्वारा निर्धारित वर्गों के पक्ष में सार्वजनिक सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान करने से रोकता है। वह इस बात की वकालत करते हैं कि यदि राज्य अल्पसंख्यक धार्मिक सांप्रदायिक या भाषाई शिक्षण संस्थानों को कोई अनुदान करने का फैसला करता है तो उसे ऐसे सभी संस्थानों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। अंत में बाबा साहब अंबेडकर इस बात की वकालत करते हैं कि रिट जारी करने का सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र संविधान से लिया जाना चाहिए ताकि विधायिका को उस अधिकार को छीनने का अधिकार ना हो। 22 अप्रैल 1947 डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान सभा सलाहकार समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल को पत्र लिखकर आर्थिक नियोजन पर एक अलग समिति गठित करने का आग्रह किया। उन्होंने समझाया कि ऐसी समिति अल्पसंख्यकों के लिए आर्थिक सुरक्षा उपाय कर सकती है। 22 अप्रैल 1956 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बाबा साहब अम्बेडकर ने अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ के महासचिव श्री आर डी खोबराडगे को एक पत्र लिखा। उन्होंने उनकी संगठनात्मक निष्क्रियता के बारे में डांटते हुए उन्हें पीटीआई को सूचित करने की और यूपीआई में संस्था की खबर छपवाने के लिए कहा। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, हालांकि मैं सारे पॉइंट्स कवर करें, यहाँ ये नहीं देखा जाए कि वीडियो छोटा है बड़ा है, जितने पॉइंट्स होंगे अगर 100 पॉइंट भी होंगे ना एक वीडियो में लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को समझने को जरूर मिल रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय भीम। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को बहुजन साहित्य का काम पसंद आता है, अगर आप लोग चाहते हैं कि बहुजन साहित्य लगातार इसी तरीके से अपना काम करता रहे, तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करें, फाइनेंशियल हेल्प करें। उसके लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसके माध्यम से आप बहुजन साहित्य के सदस्य बन सकते हैं या फिर एक बार भी भुगतान कर सकते हैं। मैं रजत मौर्य मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, फिर किसी किताब के साथ, फिर किसी ऑथर के साथ, फिर किसी किताब पर चर्चा के साथ, फिर किसी बुक रिव्यू के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।